नमस्कार, मैं हूं गोपाल मिश्रा। सुनते हैं आज 14 नवंबर की सभी बड़ी खबरें। ओवैसी की चुनावी सभा में मोदी के नारे, AIMIM चीफ को मुस्लिम युवकों ने दिखाए काले झंडे, सूरत में कर रहे थे प्रचार। गुंबद वाले बस स्टॉप को बीजेपी सांसद ने मस्जिद कहा, धमकी दी। प्रशासन से कहा 4 दिन में नहीं गिराया तो खुद तोड़ दूंगा। यह बस स्टॉप मैसूर ऊटी रोड पर बना हुआ है। 11 महीने से बिना विधायक पीएम मोदी का गांव। पिछली बार बीजेपी हारी थी, इस बार आरएसएस प्रमुख भागवत के करीबी को टिकट मिला। रेल पुल ब्लास्ट में आतंकी कनेक्शन की जांच। एनआईए के बाद एनएसजी आईबी टीम भी उदयपुर पहुंची। गहलोत बोले हर एंगल से इन्वेस्टिगेशन होगा। महाराष्ट्र के मालेगांव से पीएफआई ऑपरेटिव गिरफ्तार, हिंदू विरोधी स्पीच देकर युवाओं को संगठन में शामिल करता था। लिव इन पार्टनर ने प्रेमिका के 35 टुकड़े किए। बाजार से फ्रिज खरीदा, अगरबत्ती से बदबू दबाई, रोज रात 2 बजे जंगल में टुकड़े फेंकता था, दिल्ली का मामला। उत्तराखंड के पूर्व सीएम रावत का विवादित बयान, बोले बिना कमीशन दिए राज्य में कोई काम नहीं होता। यूपी से यह प्रथा उत्तराखंड में आई। अमृतसर में भूकंप के झटके, 4.1 मैग्नीट्यूड तीव्रता, पाकिस्तान के चिनियोट शहर से 8 किलोमीटर दूर मिला केंद्र। G20 मीटिंग के लिए मोदी इंडोनेशिया रवाना, 45 घंटे में 20 प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे पीएम, 10 से ज्यादा वर्ल्ड लीडर्स से मुलाकात होगी। और बिजनेस वर्ल्ड की न्यूज, 18 महीने बाद सिंगल डिजिट में थोक महंगाई। अक्टूबर में WPI 10.70 से घटकर 8.39% पर आई, मार्च 2021 के बाद सबसे कम। फेक यूजर से निपटने के लिए मस्क का प्लान, कहा ट्विटर केवल संस्थान की पहचान करेगा, उनसे जुड़े अकाउंट वे खुद आइडेंटिफाई करें। ट्विटर में अब कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की छटनी, मस्क ने 4,400 कर्मचारियों को निकाला, बिना नोटिस दिए ईमेल समेत अन्य एक्सेस छीने। इस हफ्ते सोने चांदी में शानदार तेजी, सोना 52,000 और चांदी 61,000 के पार गई, आगे भी जारी रह सकती है तेजी। स्पोर्ट्स वर्ल्ड की न्यूज, इंग्लैंड को T20 वर्ल्ड कप का खिताब दिलाने वाले स्टोक्स कभी डिप्रेशन में रहे, 2016 में 19 रन देकर खिताब गंवाया था। शोएब बोले इंडिया में वर्ल्ड कप उठाएंगे, भारत का नाम लेकर हार का दर्द दबाया, शमी ने दिखाया था आईना। फाइनल में पाकिस्तान की हार के बाद शमी ने अख्तर को जवाब देते हुए कहा था इट्स कॉल्ड कर्मा। लियोनेल मेसी और रोनाल्डो के पास ट्रॉफी जीतने का आखिरी मौका, फीफा दुनिया के महानतम फुटबॉलरों का हो सकता है ये आखिरी वर्ल्ड कप। और अब न्यूज एंटरटेनमेंट की दुनिया से, साउथ मॉडल शीला प्रिया शेख ने साजिद खान पर लगाया आरोप, कहा 5 मिनट कर घूरता रहा, फिगर पर की आपत्तिजनक टिप्पणी। सिद्धांत की याद में पत्नी अलीसिया ने लिखा इमोशनल नोट शेयर की पहली मुलाकात की फोटो, बोली मैं जब तक जिंदा हूं आपसे ही प्यार करती रहूंगी। ऊंचाई ने वीकेंड पर दिखाया कमाल, 3 दिनों में कमाए 10.5 करोड़ रुपए, कम स्क्रीन में रिलीज के बावजूद जबरदस्त प्रदर्शन। मिथुन चक्रवर्ती ने किया अपने स्ट्रगल के दिनों को याद, बोले स्किन कलर को लेकर मेरी डिसरिस्पेक्ट की गई, नहीं चाहता मेरी बायोपिक बने। सामने आई अक्षय की हेरा फेरी 3 छोड़ने की वजह, स्क्रिप्ट नहीं बल्कि फीस की वजह से छोड़ी फिल्म, मेकर्स ने मोटी रकम देने से कर दिया था मना। मूसेवाला मर्डर में फिर घिरे मनकीरत औलक, बिना नाम लिए पिता का सवाल, लॉरेंस को यार कहने वालों पर कार्रवाई होगी या नहीं। अंत में कुछ और लेटेस्ट न्यूज, तुर्की में आतंकी हमला, 6 की मौत, 1 अरेस्ट, संदिग्ध महिला बेंच पर बैठी रही फिर बैग रखकर चली गई, कुछ देर बाद धमाका हुआ। दुनिया को चीनी भारत ने दी, अब डायबिटीज का गढ़ बना भारत, यहाँ 7.70 करोड़ लोग डायबिटिक, 30 साल में 15 गुना बढ़ा केस। सर्दियों में शहद और लहसुन खाने से हार्ट बनता है हेल्दी, फंगल इन्फेक्शन दूर करे, वजन कम करे, साइनस प्रॉब्लम से राहत, इम्यूनिटी होती है मजबूत। सावधान, भूख न लगना भी एक बीमारी है, टीबी, लिवर, आंतों से जुड़ी समस्या, दर्द, थकान महसूस होना, इन्फ्लुएंजा, डिप्रेसिव डिसऑर्डर का संकेत। अंत में आज का सवाल, G20 के फुल फॉर्म में जी का क्या अर्थ है। जाते जाते एक रिक्वेस्ट, प्लीज लाइक एंड शेयर दिस न्यूज, थैंक यू।